हिमाचल प्रदेश में मौसम का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ है। मंगलवार को दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदली और पहाड़ों की रानी शिमला में हल्की बर्फबारी हुई। माल रोड समेत ऊंचाई वाले कई इलाकों में हल्की बर्फ गिरी है, जिसे तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का तापमान दिन के समय में 8 डिग्री से नीचे लुढ़क गया था और पेड़ पर बर्फ की हल्की चादर बिछ गई। मौसम के इस मिजाज से जहां सैलानी खुश नजर आए तो वहीं पर्यटन कारोबारियों के साथ साथ किसानों और बागवानों के चेहरे भी खिल गए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि 20 फरवरी से मौसम करवट लेगा और राजधानी में मंगलवार सुबह से ही बादल छाए थे। मंगलवार दोपहर बाद एकाएक मौसम बदलने से कुफरी, नारकंडा, रोहतांग, शिकारी देवी, चूड़धार और मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई। कुफरी और नारकंडा में बर्फ की चादर बिछ गई और बुधवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान था और 21 और 22 फरवरी को प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है और अन्य क्षेत्रों में 22 फरवरी तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। सोमवार रात को केलोंग के न्यूनतम तापमान -6.0, कल्पा में -1.5 और मनाली में 1.8, मंडी सुंदरनगर में 4.1 और भुंतर में 4.0, शिमला में 6.6 और धर्मशाला में 7.0, ऊना में 7.2 और नाहन में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी।